हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोर्टाइन क्विन के ऊपर अटैक कर देती है। जहां पर चुलुटेन क्विन को बचा लेता है, वहां मोर्टाइन ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वहां पर एल्डर बू आ जाता है जो क्विन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर लास्ट में एल्डर बू अपना सबसे बड़ा अटैक करता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एल्डर बू को अटैक करते हुए दिखाया जाता है। वहां मोर्टाइन अपनी पावर का यूज करके क्वीन और चुलुटेन को बचा लेती है। जहां पर एल्डर बू इस अटैक को करने के बाद वहां पर मर जाता है। वहां मोर्टाइन भी अपनी पावर का ज्यादा यूज करने पर थक जाती है। फिर वहां पर एक्शन सेट की सेना पहुंच जाती है, जहां पर ये सभी लोग भागकर मोर्टाइन के पास जाते हैं। वहां मोर्टाइन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहां क्वीन अपने मन में कहता है, मैंने मोर्टाइन के बारे में बहुत गलत सोचा था। फिर हमें अगले 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहां क्वीन एक्समेंग पावेलियन सेट में पहुंच जाता है, जहां पर एंशियंट रोड होगा। फिर हमें इन तीनों मास्टर को दिखाया जाता है। वहां ये मास्टर कहता है कि चुलुटेन अभी तक यहां पर क्यों नहीं पहुंचा। जहां पर ये दूसरा मास्टर कहता है, मैंने सुना है कि एल्डर बू कुछ दिनों से एक्शन सेट के अंदर है। वहां लियू मास्टर फिर से कहता है कि चुलुटेन अपनी ही गलतियों को ठीक करने में बिजी होगा, क्योंकि ये सब कुछ उसके प्यारे स्टूडेंट की वजह से हुआ है। जहां पर क्वीन इस बात को सुनकर लियू मास्टर को शुक्रिया कहता है। वहां क्वीन नीचे पहुंचकर इन सभी मास्टर से लेट आने के लिए माफी मांगता है और इन्हें बताने लग जाता है कि मास्टर चुलुटेन अपने काम में बिजी हैं और मोर्टाइन अभी भी कोमा में है, तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वहाँ मास्टर टियाना किंग क्विन को माफ करके कहता है कि एंसर रोड के सीक्रेट एरिया में 20 साल से कम एज वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं, और जिसका जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उसको उतना ही ज्यादा खतरा होगा और तुम्हें वहाँ पर बहुत सा खजाना भी मिलेगा। फिर मास्टर टियाना किंग इन सभी को रूल बताने लग जाता है कि जो पिछले साल के रूल थे इस साल भी वही सेम रूल होंगे। फिर मास्टर टियाना किंग अपने मैजिक का यूज करता है और एक टोकन को मंगाता है, जिसे वो इस जगह पर फेंक देता है, जिससे वहां पर एंसियर रोड का पोर्टल खुल जाता है। वहां मास्टर टियाना किंग इन सभी लोगों को बताता है कि एंसियर रोड के अंदर 10 लेवल्स होंगे और जब तुम एक लेवल को पास करके दूसरे लेवल पर जाओगे तो वहां पर ये गोला चमकने लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति ने एक लेवल को कंप्लीट कर लिया है। वहां मास्टर टियाना किंग इन सभी लोगों को बताता है कि एक दिन होने के बाद तुम सब अपने आप ही बाहर आ जाओगे, चाहे तुम कितने भी लेवल पर हो। और फिर मास्टर टियाना किंग इसको शुरू कर देता है, जहां पर क्वीन और ये सभी लोग पोर्टल के अंदर भागने लग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिनकी गैंग का नाम ब्लैक गार्ड्स होता है और इन सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। वहां इनका लीडर इन सभी व्यक्तियों से कहता है, तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने होंगे और हम सब अलग रास्ते से अंदर जाएंगे। जहां पर ये दूसरा व्यक्ति अपने लीडर की तारीफ करते हुए कहता है, वो एंट्रेंस केवल उसी टोकन से खुल सकता है और आपने अंदर जाने के लिए एक अलग रास्ते को भी ढूंढ लिया, आप कितने औसम हो। वहां ये लीडर कहता है, कोई व्यक्ति हमारी छिपकर हेल्प कर रहा है। फिर ये सभी व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। फिर हमें एनसी रोड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्वीन और बाकी सभी व्यक्ति भी एनसी रोड के फर्स्ट लेवल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां क्वीन ये देखकर थोड़ा खुश हो जाता है, पर तभी वहां पर क्वीन के ऊपर दबाव पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। जहां पर क्वीन का सिस्टम आकर उसे बताता है कि यहां पर गेट प्रेशर है, जिसमें तुम्हारा जितने हाई लेवल का कल्टीवेशन होगा उतने ही तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ेगा और ताकतवर व्यक्ति के ऊपर ये कम इफेक्ट होगा। जहां पर क्वीन गुस्से से अपने सिस्टम से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वहां क्वीन का सिस्टम ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर वहां पर 2 व्यक्ति उस जगह से जाते हैं। वहां ये व्यक्ति क्वीन को देखकर हंसने लग जाता है और अपने साथी से कहता है कि ये बेकार व्यक्ति पहले ही लेवल में हार जाएगा,
इतना कहकर ये दोनों व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्वीन इस बात को सुनकर अपना पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठ पाता। फिर वहाँ पर क्वीन का सिस्टम आकर उसे बताता है कि तुम्हें ब्लडी मैजिक ब्लेड को अपग्रेड कर लेना चाहिए, जहाँ पर क्वीन उस पर क्लिक करके अपग्रेड करने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर एक कौवा उसके हाथ के ऊपर हक देता है, जिससे क्वीन गलती से ग्रेट अट्रैक्शन किल के ऊपर क्लिक कर देता है और उसके 500 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ क्वीन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने सिस्टम से पूछने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर क्वीन का सिस्टम उससे कहता है, ये स्किल भी बहुत अच्छी है और क्यों ना तुम पहले इस पावर को यूज करके देख लो। फिर उस जगह से और दो व्यक्ति गुजरते हैं और क्वीन को नीचा पड़ा देखकर उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। वहाँ क्वीन गुस्सा होकर इस पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर भी दबाव पड़ता है और ये दोनों व्यक्ति भी नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर क्वीन इन दोनों व्यक्तियों को भी चिढ़ाने लग जाता है, वहाँ ये दूसरा व्यक्ति अपने हाथों का यूज करके इस जगह से जल्दी भागने लग जाता है। फिर वहाँ क्वीन का सिस्टम आकर उसे बताता है कि तुम्हें ये सब इंट्रोडक्शन पढ़ लेने चाहिए। जहाँ पर क्वीन ये सब कुछ पढ़कर अपने सिस्टम से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति उस जगह से भाग रहा होता है, पर ये पावर उसे वापस उसी जगह पर ले जा रही होती है। फिर क्वीन ये देखकर इस पावर के बारे में समझ जाता है कि इस पावर को कैसे यूज करना है, और फिर ये तीनों व्यक्ति इस पावर का यूज करने लग जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।